बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आपको सबको खुश आमदीद। तो आज जो मैं गुजराती किचन में बना रही हूँ फ्रूट चाट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फ्रूट चाट हमने किन किन चीज़ों से बनानी है। ये एक दर्जन के करीब केले हैं जिसे मैंने धो के अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिए हैं। चार अदद एप्पल थे जिसे धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। गर्मा हंसपे ज़रूरत है जिसे मैंने धो के काट के बारीक बारीक रख लिया है। ये ग्रेप्स हैं, ये अंगूर हैं जिसे मैं धो के रख लिए हैं थोड़े से अंगूर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रूट चाट। और आज फ्रूट चाट में कोई दही कोई मेयोनीज नहीं मैं डालूँगी, मैं डालूँगी जूस। तो बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको फ्रूट चाट बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी काम है इसका, बस डाल के फ्रूट सारे मिक्स कर लेने हैं और जूस डाल लेना है। तो इसके अंदर कोई चाट मसाला कोई काली मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा। अगर हंसबे ज़रूरत आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक डाल सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बाकी चीज़ें मिक्स करके आपको बताती हूँ। चलिए जी सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है ये चाट, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। इसके अंदर जूस भी डाल सकते हैं और टैंग का जूस गाढ़ा सा बना के तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जूस अब ऐड कर देंगे। जूस इसमें बहुत कम पड़ता है, ये इनफ है जूस जितना हम डाल रहे हैं। एक जूस कम था तो मैंने मज़ीद एक और जूस लेके उसमें से आधा जूस लेके तो हल्का सा इसमें नमक और एक आधी चम्मच चाट मसाला डाला है ताकि थोड़ी खट्टी मीठी बने। तो एक जूस मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा और ले लिया। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान फ्रूट चाट है और बहुत ही मज़े की लगती है ये खाने में। तो चलिए जी फ्रूट चाट हमारी रेडी है, बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलिए आप भी बनाएं और मुझे बताइएगा कि ये फ्रूट चाट आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो से और कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।